नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीप इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एचएफसीएल लिमिटेड के ऊपर, जहां दोस्तों बड़े मूव की संभावनाएं हैं। दोस्तों क्यों बड़े मूव की संभावना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज का जो प्राइस है वो 76.40 का है, 3.17% का दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट है। पिछले 5 दिनों में अगर बात करें तो 4.33% का दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट आया है और एक मंथ के अंदर दोस्तों जबरदस्त तेजी बनी है। और 6 मंथ के अंदर बात करें तो दोस्तों 7.30% है, बट अगर एक साल के अंदर दोस्तों बात करें तो दोस्तों 11% की तेजी है। और 5 साल के अंदर बात करें तो 185% की तेजी है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों बात करें तो 108% की दोस्तों तेजी यहां पे दिख रही है। दोस्तों 2000 का जो दोस्तों बूम हुआ था उसके बाद दोस्तों स्टॉक बिल्कुल गिर गया, नीचे आ गया और फिर वहीं भी एक लेवल के ऊपर नीचे से ही दोस्तों चल रहा है। दोस्तों तो अब ये स्टॉक में क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों एचएफसीएल लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 10,526 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 37.5 है। दोस्तों बुक वैल्यू 20 का है, बुक वैल्यू से तो काफी लंबा दूर है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, 0.20% का है। दोस्तों फेस वैल्यू 1 का है। आरओसी देखेंगे तो दोस्तों 19.2% है, जो काफी बेहतरीन है। और आरओई 13.5% और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें 0.27 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5 है। डेप्ट की बात करें तो दोस्तों 756 करोड़ है, तो दोस्तों बिल्कुल कंट्रोलेबल डेप्ट है। ईपीएस है 2.05। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो मार्च 2020 का दोस्तों जो लेवल था उसको दोस्तों प्री कोविड लेवल को तुरंत ही तोड़ दिया था, सेल्स काफी अच्छा हुआ था। बट उसके बाद दोस्तों इस जो ईयर है वहां पे दोस्तों थोड़ा सा पैनिक बन रहा है। दोस्तों उसी वजह से स्टॉक में बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं आ रही है। बात कर रहे हैं सेल होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 39.20 है और एफआईआई के पास होल्डिंग है वो भी दोस्तों अनइवन है। दोस्तों सितंबर में आप देखेंगे 3.96 था, दिसंबर में 7.19 हुआ, मार्च में थोड़ा सा कम हो गया, फिर वहां से थोड़ा सा बढ़ गया। दोस्तों डीआईआई कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं इस स्टॉक को, तो काफी अच्छी बात है। पब्लिक के पास अगर बात करें होल्डिंग का, तो 51.78% का होल्डिंग है। वहां पर रिलायंस जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर है उनका 3.52% का होल्डिंग है और एमजे के एंटरप्राइजेस है उन्होंने भी अपना होल्डिंग कंटिन्यूस बेच के काफी नीचे ला दिया है। दोस्तों अब रिलायंस वेंचर है उनके पास 1.46% का होल्डिंग है, बाकी कोई बड़ा शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बात करते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों, सीधा डिस्कस करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों स्विंग लो जो है मार्च 2020 का है और स्विंग हाई जो हमने कनेक्ट किया है जो 2022 में बनाए जनवरी 2022 में, और वहाँ पे 23.6% का रिट्रेसमेंट, गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट है 79.30 का और वही हेडेक बनता हुआ आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। दोस्तों तो ये क्यों हेडेक है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही इस लेवल को तोड़ा था दोस्तों स्टॉक ने, फिर वहीं पे रेजिस्टेंस कंटिन्यूस लिया था दोस्तों अप्रैल के अंदर और फिर वो तोड़ नहीं पाया, फिर दोस्तों नीचे आ गया स्टॉक और फिर हमें 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास टच हुआ, वहां पे बेस बनाने की कोशिश की, फिर स्टॉक ऊपर गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों 78 का लेवल दोस्तों टच किया था अगस्त में, टच किया दोस्तों 77 का अगस्त में टच किया और यहाँ पे भी दोस्तों जो हमारा लेवल है 79.30 का, जहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस आ रहे, आज भी दोस्तों बड़े वॉल्यूम के साथ आया बट दोस्तों वहां से प्रेशर बना और नीचे आ गया स्टॉक। तो दोस्तों ये जो लेवल है दोस्तों, जब तक 79.30 के लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक दोस्तों ऊपर जाने की जरूरत है। दोस्तों आपको कोई कॉल बाइंग का नहीं लेना चाहिए, एक बार इस लेवल को तोड़ेगा दोस्तों, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अभी अगर आरएसआई की बात करें तो दोस्तों 63 का है, तो अभी दोस्तों काफी जगह बचती है ये इस लेवल को तोड़ने के लिए दोस्तों आरएसआई के पास है। और दोस्तों जब भी लेवल तोड़ता है दोस्तों स्टॉक, तो आप सबको पता है कि कितना अच्छा मोमेंटम हमें दिखाता है स्टॉक, तो यहाँ पे वेट करना चाहिए, तब तक कोई कॉल नहीं लेना चाहिए दोस्तों बाइंग का, जब तक दोस्तों 79.30 का लेवल जो है वॉल्यूम के साथ तोड़ना दे। दोस्तों एक बार वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा तो आपको अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आने वाले टाइम के अंदर मिल सकता है दोस्तों। और ये